दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब स्मार्ट क्लासेस सीखने का रोमांचक अनुभव मिलेगा। प्रोजेक्टर पर ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, कार्टून से लेकर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी सीखने सिखाने के तरीके को आसान बनाएगी और इसके लिए स्कूलों में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब की स्थापना हो रही है। इसकी सहायता से गणित, विज्ञान जैसे विषयों के कठिन लगने वाले फॉर्मूले से लेकर विषय वस्तु की पेचीदगियों को आसानी से समझाया जा पाएगा। अगली खबर, दीपावली के अगले दिन 25 अक्टूबर को स्वाति नक्षत्र के साथ तुला राशि में खंड ग्रास सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण शाम 4:42 से 6 बजे तक रहेगा और इसका सूतक 12 घंटे पहले यानी सुबह 4:42 पर लगेगा, लेकिन दीपावली और उसके बाद पड़ने वाले त्योहारों पर इसका असर नहीं होगा। 27 साल के बाद ऐसा संयोग बना है जब दीपोत्सव के दौरान सूर्य ग्रहण लग रहा। अगली खबर, राजद के विधायक रीतलाल यादव के नाम पर रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। पटना में 20 लाख रुपये नहीं देने पर की फायरिंग। पटना जिला में पटना थाना क्षेत्र के उदयपुर बालू घाट पर बालू कारोबारी से 20 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने दर्जन भर राउंड फायरिंग की। इस दौरान बालू घाट पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। बालू कारोबारी और घाट पर मौजूद लोगों ने खदेड़कर फायरिंग कर भाग रहे एक युवक को दबोच लिया। घटना की सूचना मिलते ही पालीगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर अपराधी को अपने कब्जे में ले लिया। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए गए। लेकर सुशील मोदी को हत्या की धमकी देने वाला पटना पुलिस के हाथ लगा। पहले भी कर चुका है ऐसे ही कारनामे। भाजपा के राज्यसभा सदस्य एवं बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को धमकी भरा पत्र भेजने के मामले में सुदीप्तो कुमार राय से पूछताछ की जा रही है। अगली खबर, 25 अक्टूबर को सिंगापुर से भारत लौटेंगे लालू प्रसाद यादव। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव 25 अक्टूबर को सिंगापुर से भारत वापस लौटेंगे। जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव दिल्ली से लौटकर पटना भी आ सकते हैं। लालू प्रसाद यादव अपनी किडनी का इलाज के लिए सिंगापुर गए हैं। सिंगापुर में बेटी रोहिणी आचार्य के साथ रहकर लालू यादव अपना इलाज करवा रहे। अगली खबर, छठ से पूर्व बिहार के सभी सूखा प्रभावित परिवारों को मिलेंगे 3500 रुपये। सीएम नीतीश कुमार ने दिया निर्देश। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को सभी सूखा प्रभावित परिवारों के खाते में छठ से पूर्व राहत राशि का हस्तांतरण करने का निर्देश दिया। अगली खबर, बीपीएससी को लेकर बड़ा फैसला, अभ्यर्थियों को होगा फायदा। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा होने वाली 68वीं परीक्षा का मेंस इंटरव्यू का वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाएगा, जिसे लेकर विचार किया जा रहा। छात्रों का यह मानना था कि पीटी का एग्जाम निकालने के बाद मेंस इंटरव्यू में लगातार घोटाले होते आ रहे और यहाँ के अधिकारी कहीं ना कहीं से अवैध तरीके से छात्रों को चयनित कर उन्हें पास करवाने का काम किया करते हैं। छात्र नेता दिलीप आज अपने सहयोगियों के साथ बिहार लोक सेवा आयोग आकर मुलाकात की। अधिकारियों ने साफ तौर पर कई बातों को माना भी और आने वाले 68वें बीपीएससी के एग्जाम में मेंस इंटरव्यू के दौरान सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग की बात करने पर विचार करने की बात कही जा रही है। अगली खबर, नीतीश कुमार फिर से बदल सकते हैं पार्टी। प्रशांत किशोर ने जताई संभावना। चुनाव के रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में हैं। प्रशांत किशोर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे और अपनी जन सुराज यात्रा से राजनीतिक जमीन तलाश रहे। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर भाजपा से मतलब नहीं तो फिर राज्यसभा उपसभापति पद क्यों नहीं छोड़ देते। अगली खबर, महिलाओं के लिए देश के 25 राज्यों से अधिक सेफ है बिहार। दुष्कर्म और छेड़खानी के मामले भी हो रहे कम। आपको बता दें कि बिहार में दुष्कर्म, छेड़खानी, दहेज के लिए उत्पीड़न जैसे महिलाओं के साथ किए जाने वाले अपराध में कमी दर्ज की गई है। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक छेड़खानी में 25%, महिला उत्पीड़न में 8% और डायन बताकर हिंसा के मामले में 9% की कमी दर्ज की गई। पिछले वर्ष अगस्त माह तक महिलाओं के विरुद्ध अपराध से जुड़े कुल 5661 कांड दर्ज किए गए थे, जबकि इस साल अगस्त माह तक 5292 कांड ही दर्ज किए गए हैं। अगली खबर, बिहार में सरकारी नौकरियों के मसले पर सुशील कुमार मोदी ने पूछे तल्ख सवाल। कहा कि संविदा कर्मियों को कब अस्थायी करेंगे। बिहार में सरकारी नौकरियों के मसले पर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के समय जिन नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उन्हीं के नियुक्ति पत्र बांटकर नीतीश कुमार युवाओं को धोखा दे रही। सुशील मोदी ने कहा कि गठबंधन ने संविदा पर बहाली बंद करने और पहले से संविदा पर बहाल लोगों की नौकरी स्थायी करने का वादा किया था, जबकि किसी की नौकरी स्थायी नहीं की गई। ये भी कहा कि जब संविदा पर नियुक्ति नहीं करनी थी तब अमीन और कानूनगो के पद पर 10,000 लोगों को संविदा पर मात्र 1 साल के लिए नियुक्त करने की प्रक्रिया कैसे शुरू की गई। अगली खबर, बिहार में जमीन को लेकर खूब झगड़े हैं। जमीन से जुड़े झगड़े हत्या जैसे गंभीर अपराध की वजह भी बन रहे। जमीन माफिया विवादित जमीन का कारोबार करके लाखों और करोड़ों रुपए कमाते हैं। जो लोग ऐसी जमीन के चक्कर में फंस जाते वो परेशान होते हैं। इसे देखते हुए सरकार विशेष व्यवस्था करने जा रही है। अब बिहार में विवादित जमीन की जानकारी जल्द ही गांव के नाम के साथ उपलब्ध होगी और इसे ऑनलाइन भी देखा जा पाएगा। इसके साथ ही विवादित भूमि को प्रकृति के मुताबिक अलग अलग रंगों से प्रदर्शित किया जाएगा, यानी रंग के मुताबिक पता चल जाएगा कि भूमि विवाद मामला भी किस स्तर पर है। गृह विभाग ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक के बाद इस बाबत नए सिरे से निर्देश दिया है। अभी तक थाना स्तर पर
विवादित जमीन का डेटा तैयार किया जा रहा था। अलीगढ़ जम्मू कश्मीर में बंधक बिहार के 11 नाबालिगों को छुड़वा लिया गया है। ये सभी बच्चे अपने घर शेखपुरा के लिए निकल चुके हैं। बच्चे अपने घर भी पहुंच जाएंगे। ठेकेदार इन बच्चों को मजदूरी के लिए जम्मू कश्मीर ले गया था, जहां पर इसे बंधुआ मजदूरी करवा रहा था। छोड़ने के एवज में उसने एक एक बच्चे के परिवार से 1.25 लाख रुपए मांगे थे। इसके बाद बच्चों के परिवार ने पुलिस से शिकायत की। बिहार सरकार ने भी मामले में संज्ञान लिया और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से बच्चों को छुड़वाया गया। बिहार सरकार की पहल से सभी बच्चे अब अपने घर सकुशल लौट रहे और ये सभी बच्चे बिहार के शेखपुरा जिले के रहने वाले हैं। अलीगढ़ बिहार सरकार ने अनन फनन में ईबीसी आयोग का कर दिया है गठन। बिहार सरकार ने निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है। इसके कुछ समय के बाद ही नगर निकाय चुनाव के लिए आयोग बनाने की घोषणा कर दी। बिहार सरकार ने नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर आयोग का गठन कर लिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जेडीयू के प्रदेश महासचिव नवीन कुमार आर्य को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। वहीं जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद को सदस्य बनाया गया और इसके अलावा दो और लोगों को सदस्य बनाया गया है। इसमें ज्ञान चंद पटेल और तारकेश्वर ठाकुर शामिल हैं। यह जो आयोग नगर निकाय चुनाव में बनाया गया है, राजनीतिक रूप से अति पिछड़े वर्ग को लेकर अध्ययन करेगा और उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। इसके मुताबिक अब आरक्षण की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अलीगढ़ नगर निकाय चुनाव में आरक्षण पर सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अंततः नगर निकाय चुनाव को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई थी वह समाप्त हो गई है। बिहार में अब अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ नगर निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट में अंडरटेकिंग देकर कहा कि राज्य सरकार ने जो ईबीसी कमीशन गठित किया था उसे ही राजनीतिक पिछड़ापन की पहचान करने के लिए समर्पित कमीशन का दर्जा दिया जाता है। कमीशन से कहा जाएगा कि वो कृष्णपूर्ति और कृष्णाराव गवली एवं अन्य ऐसे ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका सख्ती के साथ पालन करें। कमीशन से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अति पिछड़ों के आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न करा ले। इस पर निर्वाचन आयोग के परिय अधिवक्ता दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने महाधिवक्ता और राज्य निर्वाचन आयोग के वकीलों की बात को अपने आदेश में दर्ज करते हुए रिव्यू पिटीशन को निष्पादित कर दिया। अगली खबर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। राज्य के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को 15 नवंबर से पैसा कटने पर रियल टाइम ब्रेकअप मिलेगा। बिजली कंपनी मुख्यालय ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली फ्रांस की कंपनी ईडीएफ को इसका टास्क दिया। विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने कहा कि लगातार दबाव बनाए जाने के बाद स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कार्यप्रणाली में सुधार किया जा रहा और उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी समस्या पैसा कटने की जानकारी नहीं मिलने की है। ईएसएल और मीटर लगाने वाली ईडीएफ को पैसा काटे जाने की जानकारी ब्रेकअप के रूप में देने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया कि उपभोक्ताओं की दूसरी समस्या 3 दिनों में बेलकॉम मैसेज नहीं मिलने का था और इसमें सुधार किया गया है। अगली खबर, बिहार के आशा कर्मियों के वेतन में जल्द होगी बढ़ोतरी। 65,000 आशा कर्मियों को तोहफा देगी सरकार। कोविड-19 संकट के दौरान कड़ी मेहनत और फिलहाल डेंगू के भीषण फैलाव को देखते हुए राज्य सरकार आशा कर्मियों के वेतन में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का मन बनाया है, जिस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी। अगर प्रस्ताव पारित हो गया तो आशा कर्मियों के मासिक वेतन में 2,000 रुपए की वृद्धि और भी हो जाएगी। बिहार में आए स्वास्थ्य संकट के दौरान आशा कर्मियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी का काम सौंपा गया है, जिसका निर्वहन आशा कर्मी पूरी तरह से पूरा कर रही है। राज्य सरकार अब इन्हें इनके काम के लिए प्रोत्साहन देने की योजना बना चुकी है। अगली बार बिहार में 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सरकार से पूछा गया कि 7वें चरण के अभ्यर्थियों की नियुक्ति में देरी क्यों की जा रही है। 7वें चरण के तहत अब तक विभाग के द्वारा एकत्रित की गई रिक्ति के मुताबिक तकरीबन 2 लाख पदों पर बहाली होने वाली है। प्रारंभिक में लगभग 80,000 जबकि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में 1,20,000 शिक्षक नियुक्त करने की तैयारी है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 23 सितंबर को बैठक में यह तय हो चुका है कि पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक बहाल किए जाएं और यह भी तय है कि नए चरण की बहाली नई प्रक्रिया से होगी। इसको लेकर शिक्षक नियोजन रूल बुक में बदलाव का प्रस्ताव तैयार है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का हस्ताक्षर होना बाकी है। यह शीघ्र राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर स्वीकृति ली जाएगी। नई विधि से नियोजन प्रक्रिया अभ्यर्थियों के लिए आसान हो जाएगी। अगली खबर, एक माह में पंचायत एवं नगर निकाय शिक्षकों की स्थानांतरण नीति 2022 आ जाएगी। इस नीति के मुताबिक राज्य के 3.25 लाख शिक्षकों में से पुरुष शिक्षकों को इच्छा अनुसार तबादला का मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पंचायत एवं नगर शिक्षक सेवा शर्त 2020 की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया। शिक्षा विभाग ने पंचायत एवं नगर निकाय शिक्षक नियुक्ति सेवा शर्त और स्थानांतरण रूल बुक 2022 तैयार कर लिया है। शिक्षक नियुक्ति रूल बुक 2020 में बदलाव किया गया। 2022 के रूल बुक के मुताबिक नियुक्ति की प्रक्रिया बदलाव होगा, लेकिन सेवा शर्त में बदलाव नहीं किया गया। शिक्षकों को पुनर्नियुक्ति में
10, 20 और 30 साल की सेवा का लाभ पुराने शिक्षकों की तरह मिलेगा, लेकिन स्थानांतरण रूल बुक में बदलाव नहीं किया गया। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक शिक्षक नियोजन सेवा शर्त पुनर्ति एवं स्थानांतरण संशोधित रूल बुक 2022 पर कैबिनेट की सहमति मिल जाएगी। साथ ही तबादले के लिए इच्छुक शिक्षकों से सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन लिया जाएगा। सभी DO जिलावार नियोजन इकाईवार विषयवार कोटिवार रिक्त पदों की सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जिस कोटी के शिक्षक है उसी कोटी के लिए तबादले के लिए आवेदन कर पाएंगे। निगरानी जांच में फंसे शिक्षकों को आवेदन का मौका नहीं मिलेगा।